नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं यहां कोरोना का वैक्सीन लेने गया था और वैक्सीन लेने के बाद 3 दिन पूरा तबीयत खराब रहा। ये ऐसा नहीं है कि वैक्सीन मतलब कि ख़राब बात है, नहीं लेना चाहिए, 100% आपको लेना चाहिए। जिनका एज 18 से ऊपर हो गया है वो रजिस्ट्रेशन करो और वैक्सीन ले लो, क्योंकि वैक्सीन लेने से क्या होगा कि आप एकदम सिक्योर हो जाओगे दोनों डोज लेने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि आप दुनिया से चल बसोगे, मतलब आप बच जाओगे, ठीक है। तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए और वैक्सीन लेने के बाद हल्का बॉडी पेन हो गया, फीवर हो गया, ये सब आपको आएंगी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए 2-3 दिन मैं भी परेशान रहा और कुछ इधर उधर का भी हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट आपको न्यूज़ देने वाला हूँ पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कि क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कुछ चैनल वाले जो हैं फेक न्यूज़ फैलाना स्टार्ट कर रहे हैं। फेक न्यूज़ नहीं है ऐसा, जो है न्यूज़पेपर वाले ही कर रहे हैं। पिछली बार यदि मेरा कुछ वीडियो देखिएगा, पिछले ईयर का वीडियो, उसमें भी ऐसा ही आया था जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, और वो सारा का सारा फेक था। तो आपको भी फेक न्यूज़ से बचना है और अपने एंट्रेंस की तैयारी को बरकरार रखना है। तो सारा का सारा आज बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा और एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपका एंट्रेंस होने का और एडमिशन का डेट क्या है, सारा का सारा आज आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मैं सोचा कि चलो भाई, जैसे कि हम लोग जब पटना यूनिवर्सिटी का करा ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा देखा जाए इधर BHU का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कैसे चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा मुझे भी पता होना चाहिए। तो एक मैं कोर्स लिया, एक चैनल है जिस पर मैं कोर्स लिया, वो मैं कोर्स लिया 2400 रुपये का, 2400 रुपये में मैं उसको पेड किया और उस पर उसका कोर्स लिया। मैं देखना, कोर्स लेने का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोर्स लेने का इंटेंशन था कि मैं 2400 रुपया उसको दिया कि देखना चाहता हूं कि क्या वो PDF प्रोवाइड करते हैं। विश्वास करो मेरे दोस्त, वो जो PDF प्रोवाइड करते हैं उनसे ज्यादा डिटेल में कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी, उनसे ज्यादा डिटेल में PDF हम प्रोवाइड अपने चैनल पर कर रहे हैं, अपने ग्रुप में कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे ज्यादा। वो तो किसी भी चैप्टर्स को सिर्फ टच कर जा रहे हैं, बता रहे हैं। और सही बात है, ऐसा ही एग्जाम में आता है, आपका BHU हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, सबका अधिकांश सेम ही होता है। आज जितना आपको लव सर हमारे पढ़ा रहे हैं, लव चंद्र शर्मा सर आपको जितना पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा वो एकदम पूरा हाई डिटेल में पढ़ा रहे हैं। उससे ज्यादा ना आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछेगा, ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछेगा, ना BHU का पूछेगा। तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बोलो पैर पकड़ लेंगे भाई, आप जब फॉर्म भरना तो आप BHU इलाहाबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका एक और फंडा मैं आपको बता देता हूं कि CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत एक ही फॉर्म निकलेगा और सभी फॉर्म का भरा जाएगा, मतलब BHU का भी भरा जाएगा, इलाहाबाद का भी भरा जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी भरा जाएगा, एक ही फॉर्म आएगा उसके बाद। तो ये भी आप भर देना, पटना यूनिवर्सिटी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी नहीं हुई है तो इसका अलग से भर देना। यदि जैसे मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, वैसे यदि तैयारी आप यदि डेली करते हो, डेली ऑब्जेक्टिव बनाते हो, सब्जेक्टिव पढ़ते हो, तो आप BHU में जा सकते हो। और पटना यूनिवर्सिटी से BHU बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी पटना यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा है। मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये अच्छा है, नहीं, BHU इससे अच्छा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छा है। जो फॉल्ट नहीं कर पाएंगे, दूर नहीं रहना चाहते हैं, उसके लिए पटना यूनिवर्सिटी सही है। तो वही 2400 रुपया दिया, उनका PDF देखा, क्लास देखा, दंग रह गया कि क्या यार, इससे अच्छा तो हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो PDF हम दे रहे हैं। तो हाथ जोड़ के है, पढ़ो भाई, मेरे भाई पढ़ो, हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि 2 घंटा निकालकर पढ़ो, BHU पहुंच जाओगे, मेरा भी नाम लोगे और मेरे भी लगेगा कि मेरा कोई भाई जो है जो बहुत दूर चला गया, BHU पढ़ रहा है, हम तो पटना में ही रह गए, पटना यूनिवर्सिटी में ही रह गए, वो BHU चला गया। यदि अभी नहीं पढ़ोगे तो पिछली बार की तरह ही मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा, मतलब पढ़े नहीं, अंतिम में कि सर 5000 ले लीजिए, सर 10000 लीजिए, सर एडमिशन करवा दीजिए। एक बात मान लो कि यदि आप पटना यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है तो आपके माता पिता 100% आपको पटना भेजेंगे पढ़ने के लिए, आपको 100% पटना भेजेंगे पढ़ने के लिए, वो आप लड़की हो या लड़का हो। यदि लिख लो भाई, लड़कियों को तो नहीं, उनको तो भेज भी सकते हैं, यदि लिख लो, यदि आपके लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो आप पटना आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, पटना आओगे ना, यदि एडमिशन यहाँ नहीं है तो आपको 3000 रुपया रूम रेंट यहाँ लगेगा, 3000 रूम रेंट लगेगा, खाने में 2500 लगेगा,
1500 रुपया आपको इधर से लगेगा, कितना हो गया 7000 रुपया। यदि पटना हो गए तो ये तीन पटना यूनिवर्सिटी पर हो गए, ये आपका 3000 पर मंथ हॉस्टल आपको नहीं लेगा, एकदम सॉलिड हॉस्टल आपको मिलेगा। यदि पटना साइंस कॉलेज की हॉस्टल की बात करें सबसे बेस्ट हॉस्टल है। तो यही बता रहे हैं कि अभी का मेहनत, अभी का एक दो महीना का मेहनत, अभी दोस्त यार क्या मतलब 2 घंटा कभी भी 24 घंटा का निकाल लो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं निकाल लो, पढ़ लो भाई, आ जाओगे पटना नहीं आप BHU चले जाओगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक से मैं भटक गया, CUCT इस बार लेगा, इस पर मैं डिटेल वीडियो एक बार बता दूंगा कि कैसे कैसे BHU का है। और हम बता रहे हैं कि हम लोग अब जो पेड कोर्स हैं उसको हम लोग बड़ा कर दिए, ये हमारा PU के लिए भी है, BHU के लिए भी, AU और DU जो देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। हमारे साथ 220 लड़के जुड़ गए हैं हमारी पेड कोर्स में, 221-22 लोग अभी तक हैं हमारे ग्रुप में, तो जुट गए हैं और आगे भी ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, डेली जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारी जो अब यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि आते हैं प्रचार करता है भाई, जो न्यू देखेंगे उनको तो देख बताना पड़ेगा ना कि हाँ हम भाई हम ऐसे ऐसे कोर्स लेकर आए। तो यहाँ पर स्किप करो 10 सेकंड जो देख ले तो बार बार। हमारी क्या है 300+ लेक्चर से डेली PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक वाइज PDF हम देते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं और 24/7 मैं कृष्णाकांत आपके साथ रहता हूं। हमारा डाउट सेशन चलता है, ये हमारा अब सारा का सारा BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिस पे होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको BHU का भी डालेंगे, इलाहाबाद का भी डालेंगे और CUCET कैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगा उस पर भी हम डिटेल वीडियो आपको बनाते चले जाएंगे। जो मैं 2400 दिया वो चीज मैं आपको मात्र 249 में दूर दे रहा हूं, 249 तीन महीने आपके साथ रहूंगा, 249 आपसे ले रहा हूं। हमारा गूगल पे फोन पे नंबर इतना है, व्हाट्सएप नंबर इतना है, जो कोर्स लिए हैं उनसे पैर पकड़ता हूं, पैर कहां है आपका मैं पकड़ रहा हूं, मान लो आप पर हो, डेली नोट्स बनाओ। अब मैं डेली जैसे ग्रुप में अब चेक करता ही रहता हूँ कि कौन कौन नोट्स बना रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखिए। चलिए आगे की बात करते हैं अपने कि देखो एक न्यूज वायरल हो रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा, तो ये पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी न्यूज पेपर वाले छाप दिए थे कि लगता है इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, मार्क्स के बेसिस पे लेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा आपका। जैसे ही आपका ये लॉकडाउन टूटेगा, जैसे ही टूटेगा सारी चीज़ें हल्का सा भी नॉर्मल हो जाएगी, तो आपके जून में क्या होगा कि जून में अप्लाई करने का डेट आ जाएगा, एनी हाउ एक महीना आपको अप्लाई करने का डेट रहेगा। और जुलाई फर्स्ट वीक में क्योंकि कोरोना थोड़ा थोड़ा अब कम रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम ले लिया जाएगा और 6 दिनों के बाद, क्योंकि ऑनलाइन होता है वो मत, तो 6 दिनों के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और उसके 6 दिनों के बाद आपका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। मतलब कि अगस्त में आपका सारा का सारा सिस्टम जो हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि PU का सिलेबस 1 साल पीछे चल गया है, तो इसीलिए आपका अगस्त में सारा का सारा कोशिश कर रही है PU कि खत्म कर दे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा और नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाला है। अब भाई एक बार पटना आ जाओ, आपका बार बार मैं बोलता हूं भविष्य बदल जाएगा। कैसे चीजों को देखा जाता है, जो आए हैं उनसे पूछो कि पटना क्या है, पटना ही नहीं BHU क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है। मैं बताऊं मुझे पता नहीं था BHU के बारे में, जब तक पता चला तब तक फॉर्म का डेट निकल चुका था, इसीलिए मैं नहीं क्रैक कर पाया BHU। हम आपको क्रैक करवाएंगे, सारा का सारा नोट्स PDF BHU से रिलेटेड देंगे। यहाँ 2400 रुपया में दिया था तो मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका मैं सारा का सारा चीज बता दिया कि जुलाई में आपको अप्लाई होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा, एनी हाउ आपका होगा, आप मेहनत करते जाओ। जुलाई फर्स्ट वीक में आपका क्या एंट्रेंस एग्जाम आपका दे दिया जाएगा, 6 दिन में आपका रिजल्ट दिया जाता है, 6 से 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के बाद काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता है, 3-4 कट ऑफ आपके निकलते हैं, इसमें 20-25 दिन आपका समय लगता है। तो सारा का सारा यही है, बाकी कैसे आपकी क्लासेस चल रही है वो, और PDF हम आपको डेमो के रूप में आपको मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, 41 जिसके लास्ट में है, हम आपको PDF डेमो के रूप में दे देंगे, बाकी इससे ज़्यादा हम आपको संतुष्टि के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब से आप मेरे जो भी स्टूडेंट हैं 220-225 वो BHU इलाहाबाद की तैयारी भी करेंगे, एक एक स्टूडेंट से मैं करवाऊँगा, एक एक के साथ में रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।